ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा माइक को ऑफ कर लीजिए फिलहाल, ठीक है? जब कुछ पूछना होगा तो फिर आप उसको ऑन कीजिएगा। ओके ओके देन, सो द टुडेज टॉपिक दैट वी गोइंग टू डिस्कस अबाउट MCO 1, ठीक है? इसका क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग करने वाले हैं। एंड दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस हैज कम इन द एग्जामिनेशन ऑफ दिसंबर 2022, एंड दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर दिस सेमेस्टर एज वेल, दिस सेशन एज वेल। सो दिस इज इट। इसको स्टार्ट करते हैं। डिस्क्राइब वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन फॉर्मुलेटिंग स्ट्रेटेजीज फॉर चेंज इन एम्प्लॉयज बिहेवियर इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपको किसी एम्प्लॉय के बिहेवियर को चेंज करना है, उसको में अगर कोई पॉजिटिव बदलाव लाने हैं, उस चीज के लिए आपको किस तरह की स्ट्रेटेजी को फॉर्मुलेट करना होगा, मतलब बनाना होगा और उसको एग्जीक्यूट करना होगा, इस बारे में इसमें जो है बताया गया है। ठीक है, आपको अपने इम्प्लॉयज के बिहेवियर में पॉजिटिव चेंजेस लाने हैं बाई डूइंग वेरियस थिंग्स, बाई फॉर्मुलेटिंग स्ट्रेटेजीज और वॉट एवर, सो दैट यू कैन यू नो मेक मोस्ट आउट ऑफ इट, जो है ज्यादा से ज्यादा जो है यूटिलाइज किया जा सके उनकी केपेबिलिटीज को। इसके लिए आप उनके बिहेवियर में चेंज लाना चाहते हो। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। Formulating strategies for changing employees' behavior in an organization requires a systematic approach that takes into account the specific context and desired outcomes. ठीक है, यहाँ पे जो हम लोग स्ट्रेटेजीज तैयार करेंगे एम्प्लॉयज के बिहेवियर को लेकर के, उसमें एक सिस्टमेटिक अप्रोच होना चाहिए, क्योंकि चीजें अगर सिस्टमेटिक होंगी तो ही जो है लॉन्ग टर्म में उसका आउटकम सही से निकल पाता है। अगर स्कैटर्ड होंगी, एक आउटकम आपका निकल गया, आपने फिर ध्यान नहीं दिया, मतलब जो चेंजेस पॉजिटिव जो चेंजेस आते हैं लोगों के जीवन में, वो धीरे धीरे ही आते हैं, धीरे धीरे ही आते हैं। अब आप अगर एक बार कोई पॉजिटिव चेंजेस आ गया, अब उसके बाद अगर आपने उसको एनकरेज करना या फिर जिस अप्रोच में आप उसके साथ काम कर रहे हैं, तो उसको अगर आपने बंद कर दिया तो वो वापस से गायब हो जाएगा और एक डिफरेंट तरीके का चीज जो है वो क्रिएट हो जाता है। तो वो नहीं करना है। जो भी आप आउटकम लेना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग जो भी आपने स्ट्रेटेजीज वगैरह बनाई है, उसको एक तरीके से सिस्टमेटिक वे में आपको करते रहना होगा। That take into account the specific context, किसी एक specific context की बात की जा रही है, desired outcome की बात की जा रही है, उसमें जो भी आपने सोच के रखा है उसको systematically करना होगा। Here are various steps involved in formulating strategies for changing employees' behavior. तो कुछ कुछ steps के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि जब आप पॉलिसी को फॉर्मुलेट करेंगे तो क्या क्या आपका जो है स्टेप्स होना चाहिए, है ना? जैसे प्लानिंग हम लोग करते हैं किसी चीज को करने का, तो ये सेम चीज है। यहाँ पे स्ट्रेटेजी आप प्लान कर रहे हो कि कैसे आपको इम्प्लीमेंट करना है अपनी सोच को, ताकि जिसका असर जो है इम्प्लॉयज के बिहेवियर में हो, तो किस तरीके से आप उन चीजों को करोगे। सबसे पहला तो यही है कि आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई द टारगेट बिहेवियर। आपको किस तरह का बिहेवियर चेंज जो है इम्प्लॉयज में लाना है, वो आपको एक टारगेट तैयार करना होगा। क्लियरली डिफाइन द स्पेसिफिक बिहेवियर दैट नीड्स टू बी चेंज्ड और इम्प्रूव्ड। आपको ये डिफाइन करना होगा कि किस तरह का चेंज या फिर किस तरह का बदलाव आप अपने इम्प्लॉयज में देखना चाहते हैं, या बदलाव की के साथ या फिर हो सकता है इम्प्रूवमेंट भी आप देखना चाह रहे हो। मतलब सपोज कोई इम्प्लॉई ऑलरेडी बहुत अच्छा है, बट उसको थोड़ा इम्प्रूवमेंट की जरूरत है ना? तो कंप्लीटली बदलने की भी आप कोशिश कर सकते हैं उसके बिहेवियर को, या फिर थोड़ा इम्प्रूव करने की भी कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड, स्ट्रेटेजी आप कह सकते हो। इट कुड बी रिलेटेड टू परफॉर्मेंस, कम्युनिकेशन, टीम वर्क और एनी अदर एरिया दैट अलाइंस विद द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन की गोल्स या फिर ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसके साथ अलाइन करने वाली जितनी भी सारी एक्टिविटीज होती हैं, चाहे वो उसके परफॉर्मेंस को लेकर के हो, उसके कम्युनिकेशन को लेकर के हो, उसके टीम वर्क को लेकर के हो, इम्प्लॉय की बात कर रहा हूँ, उन सब में आप एक तरीके से बेहतरी ला सकते हो बाय डूइंग दिस पर्टिकुलर थिंग, है ना? ये जो स्ट्रेटेजी है इसको इम्प्लीमेंट करके इन सब चीजों में जो है बदलाव लाया जा सकता है। अब आप ऐसे ही चीजों में बदलाव लाना चाहोगे जो कि आपकी कंपनी के लिए बेनिफिशियल है, जो आपकी कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को साधेगा, जो ऑब्जेक्टिव्स आपको पूरा करने हैं उसके साथ जो अलाइन करेगा। अब सपोज किसी का कोई पर्सनल नेचर कुछ एक है, उसमें आप बदलाव लाना चाह रहे हो, लेकिन वो आपकी कंपनी के लिए अच्छा है बुरा है ये आपको नहीं पता, मतलब कंपनी से उसका कोई वास्ता ही नहीं है, तो उस तरह के बिहेवियरल चेंज ला के कोई फायदा नहीं है। तो कंपनी से जिसको असर पड़े उसमें जो है आपको चेंजेस लाना इसलिए बोला गया है, और एनी अदर एरिया दैट अलाइन विद द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, अलाइंस है ना, उसके साथ मिलना चाहिए। इंश्योर द बिहेवियर इज स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट एंड टाइम बाउंड, है ना? इसको स्मार्ट शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है स्मार्ट,
आपको ये ध्यान देना है कि जो बिहेवियर है वो स्पेसिफिक हो, मेजरेबल हो, अचीवेबल हो, रिलेवेंट हो और टाइम बाउंड हो। आप जो भी स्ट्रैटेजी तैयार करोगे, उसमें आप इन्हीं सब चीजों को अचीव करने की कोशिश करोगे, है ना, कि जो भी आप कर रहे हो उसको आप अचीव कर पाओ। अब आपने कुछ ऐसा टारगेट सेट कर लिया जिसको अचीव कर पाना पॉसिबल ही नहीं है या फिर रेलिवेंट नहीं है आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो कोई फायदा है नहीं। तो आपको जब भी करना है इन सब चीजों को ध्यान में रख करके करना है। दूसरा पॉइंट है एनालाइज द करेंट बिहेवियर। तो सबसे पहले आपने टारगेट कर लिया कि उसके किसी इम्प्लॉय के इस बिहेवियर को मुझे चेंज करना है। अब आपको ये एनालाइज करना होगा कि उसका करेंट बिहेवियर उस पर्टिकुलर चीज को लेकर के कैसा है। सो कंडक्ट अ थ्रू एनालिसिस, थॉरो एनालिसिस एक्चुअली, एनालिसिस ऑफ द करेंट बिहेवियर टू अंडरस्टैंड इट्स अंडरलाइंग कॉज एंड कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स। तो किसी भी व्यक्ति का अगर किसी तरह का बिहेवियर है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन जरूर होता है, कुछ ना कुछ ऐसी बात होगी जिसके कारण से उसका बिहेवियर जो है उस पर्टिकुलर चीज को लेकर के वैसा हो गया है। तो आपको एनालाइज करना है कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं या कॉजेज हैं या कारण है, कॉजेज कारण हो गया, जिसके कारण से जो है उसका बिहेवियर इस तरीके का है। दिस एनालिसिस कैन इंक्लूड ऑब्जर्वेशन। अब इसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं, आप इसको एनालाइज करने के लिए ऑब्जर्व कर सकते हो कि किस तरह के सिचुएशंस में उसका बिहेवियर किस तरीके का है। आप इंटरव्यू वगैरह ले सकते हो, सर्वेज कर सकते हो। सर्वेज लॉन्ग लॉन्ग मतलब बहुत सारे लोगों के लिए वो सर्वे करना पड़ता है। आपको अगर किसी एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय का चेंज करना है तो फिर आपको सर्वे करने की आवश्यकता नहीं है, इंटरव्यू और ऑब्जर्वेशन से काम हो जाएगा। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन इज ऑल्सो गुड। सर्वेज एक्चुअली बहुत बड़े एरियाज में बहुत बड़े लेवल पर अगर कोई काम करनी होती है तो फिर सर्वेज किया जाता है। हालांकि ये जो बिहेवियरल चेंज है एम्प्लॉयज का, ये आप चाहते हो कि सारे एम्प्लॉयज में आए, तो सर्वेज भी एक तरीके से रिलेवेंट है, ऐसा नहीं कि नहीं है। और एनी अदर रिलेवेंट डेटा कलेक्शन मेथड, है ना, या फिर आप किसी और रिलेवेंट डेटा कलेक्शन मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हो। आइडेंटिफाई द की बैरियर्स और चैलेंजेस एसोसिएटेड विद द करेंट बिहेवियर। तो अभी जो उस बंदे का करेंट बिहेवियर है वैसा होने के पीछे कौन कौन से बैरियर्स हैं या फिर चैलेंजेस, अगर आपको उसको ठीक करना है तो ऐसे कौन कौन से चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ेंगे, ये आपको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है सेट क्लियर ऑब्जेक्टिव्स। आपको जो है अपना ऑब्जेक्टिव्स क्लियर कर लेना है कि मुझे इस तरह का तरीके का बदलाव जो है इस बंदे में लाना है ना। ऑब्जेक्टिव्स आपका क्लियर होना चाहिए। सो एस्टैब्लिश क्लियर एंड मेजरेबल ऑब्जेक्टिव्स फॉर द डिजायर्ड बिहेवियर चेंज, है ना। जो भी आपका डिजायर्ड बिहेवियर चेंज है उसमें आपको क्या मतलब आप देख रहे हो, किस तरह का चेंजेस आप देख रहे हो, उसको लेकर के आपका ऑब्जेक्टिव जो है कंप्लीटली रेडी होना चाहिए। दीज ऑब्जेक्टिव शुड बी अलाइंड विद द ऑर्गेनाइजेशनल ओवरऑल गोल्स एंड शुड एड्रेस द आइडेंटिफाइड बैरियर्स। ये तो मैंने ऑलरेडी बताया कि जो भी आप बिहेवियरल चेंज देखना चाह रहे हो वो बिजनेस के नीड्स, उसकी डिमांड्स, उसकी गोल्स को एक तरीके से अलाइन में हो। ऐसा नहीं कि वो कुछ और हो और आपका ऑर्गेनाइजेशन का गोल कुछ और हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों तो सेम होना चाहिए, मतलब उसके बिहेवियर में अगर किसी भी तरह का पॉजिटिव चेंज आएगा तो उसका पॉजिटिव असर जो है आपके बिजनेस के ऊपर पड़ेगा। ऐसे बिहेवियर्स को ही टारगेट करना है, ठीक है, और उसके बैरियर्स को आइडेंटिफाई भी करना है। सो रियलिस्टिक सेट रियलिस्टिक टारगेट एंड टाइमलाइंस फॉर अचीविंग द डिजायर्ड बिहेवियर चेंज, है ना। आप लोगों को लगेगा कि पता नहीं ये सर क्या करा रहे हैं, मतलब ऐसा होता भी है कि नहीं होता है, बट ऐसा होता है। जब आप ऑर्गेनाइजेशन में रहोगे तो ओवरऑल बहुत तरह के देखना, ट्रेनिंग करवाया जाता है, वर्कशॉप कराया जाता है, बहुत तरह की चीजें करवाई जाती हैं। वो इसीलिए करवाई जाती हैं ताकि उनका जो बिहेवियरल चेंज है वो हो सके, वो कमिटेड हो सके अपने काम को लेकर के। हालांकि इस तरीके से उनको बताया नहीं जाता कि हम लोग ऐसा कुछ कराने वाले हैं, बट ये एक्टिविटीज टॉप लेवल मैनेजमेंट की तरफ से कराई जाती है ऑन अ रेगुलर बेसिस, ताकि जो एम्प्लॉयज हैं उनके बिहेवियर में पॉजिटिव चेंजेस आए और उससे जो है कंपनी को भी फायदा हो। ओके गाइस, तो ये हो गया डेवलप अ चेंज स्ट्रेटेजी। अब यहाँ पे जो है आपको स्ट्रेटेजी रेडी करनी है, ये थोड़ा सा लॉन्ग पार्ट है। क्रिएट अ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी दैट आउटलाइंस द स्टेप्स एंड एक्टिविटीज रिक्वायर्ड टू फैसिलिटेट द डिजायर्ड बिहेवियर चेंज। आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी तैयार करनी है, उसका आउटलाइन रेडी करना है, आपको एक तरीके से लिख लेना है कि पहले ये करूंगा, फिर ये करूंगा, फिर ये करूंगा, फिर ये करूंगा, इस तरीके से करके यहाँ पे जो है पूरा का पूरा एक्टिविटी को राइट डाउन कर दिया गया है, नोट डाउन कर दिया गया कि इस तरीके से जो है चीजें करनी है, आउटलाइन करके स्टेप्स में बांट दिया गया, पहले ये स्टेप है, फिर अगला ये स्टेप है, बला बला, ठीक है ना। स्टेप्स एंड एक्टिविटीज रिक्वायर्ड टू फैसिलिटेट द डिजायर्ड बिहेवियर चेंज, कंसिडर द फॉलोइंग एलिमेंट्स व्हेन डेवलपिंग द स्ट्रेटेजी। तो इन जो एलिमेंट्स के बारे में मैं अभी बताने वाला हूँ वो बहुत जरूरी है जब भी आप इस तरह की स्ट्रेटेजी तैयार कर रहे हैं। सबसे पहला है कम्युनिकेशन। सो डेवलप अ कम्युनिकेशन प्लान टू इफेक्टिवली कन्वे द नीड फॉर बिहेवियर चेंज।
the desired outcomes and the benefits of both individual and the organization. Ensure consistent and transparent communication through the change process. ओके तो एक कम्युनिकेशन प्लान आपको अच्छे तरीके से रेडी कर लेना होगा जिसमें ये मैसेज जो है कन्वे किया जाएगा कि बिहेवियर में चेंजेस जो है इस तरीके से मतलब आ सकते हैं, बिहेवियर में चेंजेस आने जरूरी हैं, बिकॉज इससे जो है दोनों को फायदा होगा, जो इंडिविजुअल है उसको भी फायदा होगा प्लस जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको भी फायदा होगा. जो बेनिफिट्स हैं, जो आउटकम्स हैं, ये क्यों किया जा रहा है उसको लेकर के जो है एक प्रॉपर कम्युनिकेशन जो है बिटवीन द एवरी पार्टी शुड बी यू नो कन्वेड, है ना, पहुंचनी चाहिए बात. इंश्योर कंसिस्टेंट, एक कंसिस्टेंट वे में, कॉन्टिन्यूस वे में ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन जो है आपको करना पड़ेगा थ्रू आउट द चेंज प्रोसेस. जैसे जैसे चेंजेस आएंगी, जैसे जैसे स्ट्रेटेजीज को इम्प्लीमेंट किया जाएगा विद इन, माफी चाहूंगा, विद इन एम्प्लॉइज, उसका जो है प्रॉपर कम्युनिकेशन जो है, एक ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन जो है उनके साथ रखा जाएगा. ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की मैं बात कर रहा था. आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक स्किल्स, नॉलेज एंड कॉम्पिटेंसीज रिक्वायर्ड फॉर द डिजायर्ड बिहेवियर चेंज. अब आपको किसी में अगर बिहेवियर का चेंज लाना है किसी तरीके का, तो जो स्पेसिफिक स्किल्स आपको उनके अंदर डेवलप करनी है, नॉलेज को लेकर के, कॉम्पिटेंसी को लेकर के, वो आपको एक तरीके से आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि कहाँ पे क्या कमी है, क्या हमें करना चाहिए, है ना, वो होना चाहिए. डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और वर्कशॉप टू इक्विप एम्प्लॉइज विद द नेसेसरी टूल्स एंड रिसोर्सेज टू अडैप्ट द न्यू बिहेवियर सक्सेसफुली, है ना. तो आपको जो है डिजाइन करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का, जिसका असर जो है एम्प्लॉइज के बिहेवियर के ऊपर बहुत ज्यादा होने वाला है, ठीक है ना. तो उनको इक्विप करना, एम्प्लॉइज को वो सारी चीजें प्रोवाइड करना, नेसेसरी टूल्स एंड रिसोर्सेज प्रोवाइड करना. देखो, अगर आपको काम दिया जाता है तो काम के साथ साथ आपको अथॉरिटी भी देनी होगी. मैं अगर आपको कुछ काम दे रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि आपको ये काम करना है, पर अगर मैं आपको अथॉरिटी ना दूँ मेरे कंप्यूटर को यूज करने का या रिसोर्सेज को यूज करने का, तो आपसे काम वो होने से रहा, है ना. तो वही बात यहाँ पे बोली जा रही है कि जब आपको बिहेवियर में चेंज लाना है, तो बिहेवियर में चेंज लाने के बाद जो चीजें होंगी, जिस चीज की उसको आवश्यकता पड़ेगी, या उस दौरान जो जिस चीज की आवश्यकता पड़ेगी टूल्स एंड रिसोर्सेज की, वो उनको प्रोवाइड कराना जरूरी है, वो उनको इक्विप करना जरूरी है उन सब चीजों के साथ, ताकि उनके बिहेवियर में जो है सक्सेसफुली चेंज आए. ठीक है, माफी चाहूंगा, मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, इसी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, कोई नहीं. सी, रिवॉर्ड्स एंड इंसेंटिव्स, ठीक है ना. तो ये एक्चुअली बहुत बड़ा ड्रग होता है, रिवॉर्ड्स एंड इंसेंटिव जो होता है. अब आप अगर अपने एम्प्लॉयज से काम करवा रहे हो और उसको सैलरी तो खैर एक टाइम पे मिल जाती है, बीच बीच में अगर आप उसको रिवॉर्ड्स वगैरह देते रहोगे, इंसेंटिव्स वगैरह देते रहोगे काम करने के, तो वो काम करने काम कर अपने काम को बहुत और अच्छे तरीके से करेगा, है ना. रिवॉर्ड एंड इंसेंटिव्स एक इज अ काइंड ऑफ ड्रग जो कि मिलता है तो लोग बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं, तो वो चीज है. एस्टैब्लिश अ सिस्टम ऑफ रिवॉर्ड्स एंड इंसेंटिव्स टू इनकरेज एंड रीइंफोर्स द डिजायर्ड बिहेवियर. आपको जो भी बिहेवियर में चेंजेस लाने हैं, उसको रीइंफोर्स करने के लिए, उनको एनकरेज करने के लिए, आपको एक इंसेंटिव सिस्टम जो है तैयार करना पड़ेगा, ताकि जब भी कोई बंदा कुछ बेहतर करे, कुछ अच्छा करे, तो उसको उस चीज का रिवॉर्ड मिल पाए, उसको उस चीज का इंसेंटिव मिल पाए, जिससे वो उसको लगेगा कि कंपनी मेरे एफर्ट्स को, मेरे मेहनत को एक तरीके से रिकॉग्नाइज कर रही है. उससे उसके मोटिवेशन में बहुत चेंजेस होता है, उसके बिहेवियर में बहुत चेंजेस होता है. रिकॉग्नाइज एंड सेलिब्रेट इंडिविजुअल हु डेमोन्स्ट्रेट द डिजायर्ड बिहेवियर चेंज, है ना. अगर किसी में किसी तरह का कोई बिहेवियर चेंज आ रहा है, तो उसमें आपको उनको रिवॉर्ड्स देना जरूरी है, ताकि वो परमानेंट बना रहे, क्रिएटिंग अ पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म. डी नंबर पॉइंट है लीडरशिप चेंज इनिशिएटिव, सॉरी, लीडरशिप एंड रोल मॉडलिंग. तो लीडरशिप तो ऑटोमेटिकली क्रिएट होती है, जब भी आप किसी ग्रुप में होते हो तो ग्रुप का कोई ना कोई लीडर होता है, एंड वो लीडर ऐसे ही नहीं बनता, उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजंस वगैरह होते हैं. और लीडरशिप और रोल मॉडलिंग क्रिएट करना इस चीज में बहुत जरूरी है, ताकि आप किसी चीज को फॉलो करो. हम कोई चीज तभी कर पाते हैं जब हम उस चीज को फॉलो करने की कोशिश करते हैं. किसी को हमने फॉलो किया हुआ होता है कि चलो उस बंदे ने किया था तो मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी कर लूँ, मुझे भी करना चाहिए. तो लीडरशिप एंड रोल मॉडलिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. एंगेज ऑर्गेनाइजेशनल लीडर्स एंड मैनेजर्स एज चैंपियंस ऑफ द बिहेवियर चेंज इनिशिएटिव, है ना. तो उनको आपको एज अ चैंपियन शो करना जरूरी है, ताकि जो बाकी के सारे एम्प्लॉयज है वो उनको देख करके यू नो अपने अंदर चेंजेस लाने की कोशिश करें. इंश्योर दे एक्टिवली डेमोन्स्ट्रेट, और उन्हीं के द्वारा जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो होगा डिजायर्ड बिहेवियर का. आप जो बदलाव लाना चाहते हो वो सबसे पहले आपको अपने अंदर लाना होगा. तो जो भी टॉप लेवल के मैनेजर्स हैं या फिर यू नो लोग हैं, लीडर्स हैं, उनके अंदर अगर वो बिहेवियरल चेंज ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करता होगा,
तो आप अपने एम्प्लॉयज में भी नहीं ला पाएंगे। तो डेमोन्स्ट्रेट करना सही तरीके से डिजायर्ड बिहेवियर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि एम्प्लॉयज उसको एज अ रोल मॉडल एक्सेप्ट करें और उस चीज को फिर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। यहाँ तो बारिश शुरू हो गई। खैर, सपोर्ट सिस्टम्स पुट इन प्लेस, सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करना जरूरी है। जब जरूरत पड़े तो उनको कोचिंग की, मेंटरिंग की, फीडबैक मैकेनिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, फीडबैक देना भी बहुत जरूरी हो जाता है ना। तो इस तरह की चीजें जो है सपोर्ट सिस्टम में आपको प्रोवाइड करनी है टू असिस्ट एम्प्लॉयज इन अडॉप्टिंग द न्यू बिहेवियर, है ना। प्रोवाइड रिसोर्स एंड ऑन गोइंग सपोर्ट टू फैसिलिटेट द बिहेवियरल चेंज प्रोसेस। आपको जो है प्रॉपर रिसोर्सेज प्रोवाइड करनी है, हालांकि मैंने ऑलरेडी बताया, सपोर्ट फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है ताकि उनके बिहेवियर में प्रॉपर चेंज आ सके। ठीक है, एफ नंबर पॉइंट है मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन। इम्प्लीमेंट अ सिस्टम टू मॉनिटर एंड इवैल्यूएट द प्रोसेस ऑफ द बिहेवियरल चेंज इनिशिएटिव। जो भी चेंजेस वगैरह आए हैं उसमें किस तरीके का चेंजेस आया है वो आपको समझना जरूरी है, इम्प्लीमेंट करना जरूरी है। जो भी चीजें आपने की हैं अभी तक उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको मॉनिटर करना और उसको इवैल्यूएट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज अ पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस। रेगुलरली असेस एंड मेजर द इम्पैक्ट ऑफ स्ट्रेटेजीज, है ना। रेगुलरली आपको असेस करना है, मेजर करना है कि जो स्ट्रेटेजीज आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो, जो एडजस्टमेंट्स आप मेक कर रहे हो, उसका एक्चुअल में क्या असर जो है पड़ रहा है, क्या उसका कोई इफेक्टिवनेस है भी या नहीं है, और अगर है तो किस हद तक है। इन सब चीजों को मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। ठीक है, सो दिस वाज द फोर्थ पॉइंट जो हम लोगों ने किया था, डेवलप अ चेंज स्ट्रेटेजी। इसको कर लेने के बाद अब आपको अपने स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करना होगा, है ना, काम में लाना होगा। तो एग्जीक्यूट द फॉर्मुलेटेड स्ट्रेटेजी बाय इम्प्लीमेंटिंग द प्लान्ड एक्टिविटीज, इंटरवेंशंस एंड इनिशिएटिव्स। तो जो भी चीजें आप लोगों ने सोच करके रखी हैं, जो भी एक्टिविटीज, इंटरवेंशन, इनिशिएटिव्स आपने सोच करके रखे हैं, अब उसको इम्प्लीमेंट करने की बारी है, उसको एग्जीक्यूट करने की बारी है। इंश्योर एडिक्वेट रिसोर्सेस, आपको इंश्योर करना होगा कि आपके पास एडिक्वेट रिसोर्सेज हो, उनका एलोकेशन सारे लोगों में ठीक तरीके से होना चाहिए, एक बजट आपको तैयार करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें हैं, सपोर्ट मैकेनिज्म आपको तैयार करना पड़ेगा, जो मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था फोर्थ नंबर पॉइंट में। ये सारी चीजें जो है आपको इंश्योर करना होगा कि ये सारी चीजें अवेलेबल हो। ठीक है, कॉन्टिन्यूअसली कम्युनिकेट एंड एंगेज एम्प्लॉइज थ्रू आउट द इम्प्लीमेंटेशन फेज। अब ये जो चीजें हो रही है, सबसे फर्स्ट पॉइंट में मैंने बोला था कि कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है। एम्प्लॉइज के साथ आपका कम्युनिकेशन जितना बेहतर होगा वो उतना जो है उनको समझ में आएगा चीजें, जैसे उनको भी लगेगा कि भाई ये ट्रेनिंग हो क्यों रहा है ना। कई बार बताना भी जरूरी होता है कि ये ट्रेनिंग इसलिए करवाया जा रहा है ताकि इस तरह का चेंजेस हम देख रहे हैं आप में, आप जो है इस काम को और बेहतर तरीके से कर पाए इसलिए जो है ये ट्रेनिंग करवाई जा रही है, राइट। ये नहीं बोला जाता है कि बिहेवियर में आपके चेंज लाना है, पर बिहेवियर में चेंज तभी आएगा जब आप कोई काम उसे प्रैक्टिकली करवाएंगे, वो काम वो सीख जाएगा तो वो आसानी से नेक्स्ट टाइम जब भी वो काम उसको दिया जाएगा वो कर लेगा, राइट। तो इस तरीके से काम जो है वो होता है। सिक्स नंबर पॉइंट इज मॉनिटर एंड अडेप्ट। तो एग्जीक्यूट करने के बाद अब आपका काम जो है मॉनिटर करना, चीजों को देखना कि किस तरीके से जो है काम हो रहा है, और उसके अंदर फिर अडेप्टेशन भी इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई अगर आउटकम निकल करके आता है, किसी भी तरह का आउटकम, किसी भी तरह का पॉजिटिव चेंजेस अगर निकल करके आता है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग अडेप्ट भी करना जरूरी है। कुछ अगर गलत हो रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको अडेप्ट करके उसको बेहतर करना भी जरूरी है। तो वो है कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ बिहेवियर चेंज इनिशिएटिव एंड कलेक्ट फीडबैक फ्रॉम एम्प्लॉइज। फीडबैक कलेक्ट करना है, मॉनिटर करना है। रेगुलरली असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ स्ट्रेटजी एंड इंटरवेंशंस इंप्लीमेंटेड। आपको रेगुलरली असेस करना है स्ट्रेटजीज को और इंटरवेंशंस को। अडैप्ट द अप्रोच एज नेसेसरी। आपको डिफरेंट नेसेसरी जो अप्रोचेस है उसको भी अडैप्ट करना है बेस्ड ऑन द फीडबैक एंड इवेल्युएशन रिजल्ट। जो भी फीडबैक आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है, उसके बेसिस पे आपको अडैप्ट करना भी जरूरी है। सेवेंथ नंबर पॉइंट इज सस्टेन एंड इंस्टीट्यूशनलाइज, है ना। सस्टेन करना, जो भी आपने आउटकम पाया है, जो भी आपको बिहेवियरल चेंज हुआ है, उसको लंबे समय तक सस्टेन करके रख पाना ये सबसे बड़ा टास्क होता है, ठीक है ना। तो सस्टेन करना और इंस्टीट्यूशनलाइज करना, जो बिहेवियर चेंज हो गया है, जो बिहेवियर चेंज पॉजिटिव हुआ है, उसको बरकरार बनाए रखना, उसको अपने कंपनी का, अपने ऑर्गेनाइजेशन का मोटो बना देना बहुत जरूरी है। तो वो सस्टेन करना और इंस्टीट्यूशनलाइज करना आपका सातवां और आखिरी पॉइंट होगा। वंस द डिजायर्ड बिहेवियर चेंज हैज बीन अचीव्ड, फोकस ऑन सस्टेनिंग द न्यू बिहेवियर, है ना। क्या बोला है, फोकस ऑन सस्टेनिंग द न्यू बिहेवियर। अगर आप में कोई पॉजिटिव बदलाव हुआ है तो उसको सस्टेन करना फॉर लॉन्गर टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनकॉर्पोरेट द डिजायर्ड बिहेवियर इन टू अर ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज। अब देखो यहाँ पे वही बात बोली गई,
कि आपके बिहेवियर में जो भी बेहतर चेंजेस आए हैं आप उसको अपने ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज बना देंगे ताकि वो लंबे समय तक रहें। पॉलिसीज, प्रोसीजर्स एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम फॉस्टर अ कल्चर दैट सपोर्ट्स एंड रीइंफोर्सेस द डिजायर्ड बिहेवियर एज ए स्टैंडर्ड प्रैक्टिस। यहाँ बारिश बहुत तेज हो गई है, आवाज में भी आई, क्या आपको प्रॉब्लम हो रहा होगा? आई गेस आपको प्रॉब्लम हो रहा होगा सुनने में। हालांकि हम मोस्ट लोग का मोस्ट लेक्चर अभी भी तो खत्म प्रॉब्लम हो नहीं है। गया, सही है। फिर भी ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, थोड़ा सा और इसको कंप्लीट करा देता हूँ फिर क्लोज कर देते हैं, ठीक है? इट्स यस इम्पोर्टेंट टू नोट दैट ईच ऑर्गेनाइजेशन मे हैव इट्स यूनिक कंसिडरेशंस एंड रिक्वायरमेंट्स व्हेन फॉर्मुलेटिंग स्ट्रेटजीज फॉर बिहेवियर चेंज। ये नोट करना बहुत इम्पोर्टेंट है कि हर ऑर्गेनाइजेशन जो है दूसरे से अलग होता है, उसका क्या कंसिडरेशन है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे उसकी अलग अलग होंगी, तो सब अपने हिसाब से जो है उसको रेडी भी करते हैं। टेलर द स्टेप्स टू द स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट। अब आपको टेलर टेलर मतलब काटना छाटना एक तरीके से, कि आपका डिजायर्ड आउटकम है उसके अकॉर्डिंग जो है आपको अपने स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करना होगा, उसमें जो है पॉजिटिव आपको बदलाव लाने हैं, है ना? तो टेलर करना भी इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड डिजायर्ड आउटकम्स टू इंक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ द बिहेवियर चेंज इनिशिएटिव्स, ठीक है? जो भी डिजायर्ड आउटकम है अगर आपको वो चाहिए तो उसको टेलर करना बहुत जरूरी। जो अननेसेसरी चीजें हैं वो आपको नहीं करनी, उसको हटा दे रही हो, तो बात यहाँ पे बोली, ठीक है? ओके देन, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही, अगला क्लास कब होगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है? बाय। ओके सर।